नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के मुगमा में जलापूर्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल का दूसरा दिन। ईसीएल महाप्रबंधक कार्यालय समीप जलापूर्ति करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। तिलतोड़िया व गुरजोड़ गांव में जलापूर्ति करने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह ग्रामीणों को लेकर ईसीएल मुगमा के महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। जिला पंचायत सदस्य के समर्थन में गुरुवार को जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुभाष रवानी, खंड उप प्रमुख विनोद दास, भाजपा 11 कोण मंडल अध्यक्ष रंजीत मोदी पहुंचे तथा पूरे मामले की जानकारी ली। सभी प्रतिनिधियों ने अपने स्तर से इस मामले में वरीय अधिकारियों से बात करने को कहा। वहीं जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह ने कहा कि 2017 में उक्त दोनों गांवों में जलापूर्ति की मांग को लेकर मेरे नेतृत्व में आंदोलन किया गया था, जिसमें प्रबंधन द्वारा मांग की गई थी कि उक्त दोनों गांवों में जलापूर्ति कराने के लिए प्रखंड कार्यालय से एनओसी की आवश्यकता है। उनके कहने के साथ ही हमने एनओसी लाकर दी हुए 5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक जलापूर्ति बहाल नहीं की गई, परंतु जब तक दोनों गांवों में जलापूर्ति बहाल नहीं कर दी जाती भूख हड़ताल धरना जारी रहेगा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। सर, तिलतोड़िया और गुड़जोड़ा के लिए कल लगभग 36 घंटा से आप भूख अनशन पर बैठ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे लेकर सर इसको? आप बस पेयजल चाहिए। ईसीएल मैनेजमेंट पिछले 5 साल से आश्वासन दे रहा है, अब आश्वासन नहीं, अब काम करें, पाइपलाइन बिछाए, हम लोग उड़ जाएंगे। सर, प्रबंधक तरफ से अभी तक कुछ पहल नहीं हुई है क्या? अभी तक प्रबंधक फिर से लॉलीपॉप 200 मीटर पाइप दे देते हैं, बाद में 1 महीना बाद कर देंगे, लॉलीपॉप दे रहा है। सर, ये कब तक अनशन भूख हड़ताल पर आप रहेंगे? जब तक पाइपलाइन का काम शुरू हो जाता है।